बात से तो पूरा वर्ल्ड वाकिफ हो चुका है कि बॉलीवुड की बार्बी डॉल कैटरीना कैफ ने राजस्थानी रीति रिवाज से अपने बॉयफ्रेंड विकी कौशल के साथ सिवाय सलमान के बॉलीवुड के कुछ जाने माने सितारों के सामने उन्हें अपना पति बनाया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि कैटरीना की शादी में भले ही सलमान खान तो नहीं पहुंचे, पर सलमान खान के बॉडीगार्ड जरूर पहुंचे हैं, क्योंकि उन्होंने कैटरीना और विकी की शादी का पूरा जिम्मा जो उठाया है। तो आखिरकार सलमान खान ने कैटरीना की शादी में अपने बॉडीगार्ड के द्वारा हेल्प क्यों की, इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले इनके लिए एक लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड की प्यारी अभिनेत्री कैटरीना की शादी में आने वाले मेहमानों की लिस्ट में भले ही सलमान खान का नाम ना हो, लेकिन सलमान के पर्सनल बॉडीगार्ड शेरा ने इस शादी में सिक्योरिटी का जिम्मा संभाला था, क्योंकि कैटरीना और विकी की शादी इन दिनों बॉलीवुड में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई थी। दोनों एक दूसरे को काफी समय से डेट कर रहे थे और अब ये एक दूसरे के भी हो चुके हैं। लेकिन कैटरीना और विकी की शादी सेफ्टी के साथ बिना ड्रामा की हो चुकी है, जिसके लिए कैटरीना ने सलमान से हेल्प मांगी थी कि वो अपने बॉडीगार्ड शेरा की टीम को उनकी शादी की सिक्योरिटी का जिम्मा दे। और सलमान ने अपनी कैटरीना की बात को मानते हुए शेरा को ही कैटरीना के सारे फंक्शन और माधोपुर सवाई जिले के महल की पूरी सिक्योरिटी दी थी, जिसके लिए शेरा ने राजस्थान की पुलिस से भी कांटेक्ट किया था। इतना ही नहीं, शेरा ने अपनी सिक्योरिटी कंपनी के हाई फाई बाउंसर को कैट के हर कमरे और महल के आसपास बिल्कुल आर्मी की तरह तैनात किया था। शेरा की दमदार और रिस्पॉन्सिबल सिक्योरिटी के चलते ही कैटरीना की शादी का एक भी फोटो, वीडियो और ऑडियो अभी तक सिक्स सेंसेस फोर्ट होटल से मीडिया में वायरल नहीं हुआ है। और इन सब का सारा क्रेडिट जाता है सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड रह चुके दमदार शेरा को, जिन्होंने कैटरीना कैफ की शादी को बड़े ही आराम से निपटा दिया है। तो दोस्तों, आपको कैटरीना कैफ की शादी पर सलमान की छोटी सी हेल्प कैसी लगी है, आप अपना जवाब हमें कमेंट में करके जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।